दुआ के बग़ैर नमाज पूरी हो जाती है क्या शरीफ के बाद दुआए मासूरा पढ़े बग़ैर नमाज मुकम्मल हो जाती है कामरान शेख इंडिया से भाई जो हम नमाज़ में अतियात के बाद दूर शरीफ़ पढ़ते हैं उसके बाद दुआ पढ़ना भी सुन्नत है अगर कोई ना पढ़ेगा तो खिलाफ सुन्नत है नमाज तो हो जाएगी मगर सुन्नत छोड़ दी आपने अच्छा काम नहीं किया तो इसलिए पूरी नमाज़ पढ़ा करें हो जाएगी नमाज मगर ये कि सवाब कम हो जाएगा नमाज का फ़जर अकेले पढ़ते वक्त क़रात कैसे करेंगे अगर कोई फ़जर की नमाज़ अकेले पढ़ रहे हों तो किरात ऊंची आवाज़ से करनी चाहिए या नहीं शफीक साहब सऊदी अरब से देखिए जो नमाज भी अंधेरे में पढ़ी जाती है जैसे फजर की नमाज़ है जो सूरज निकलने से पहले पढ़ी जाती है या मगरिब की नमाज़ है जो सूरज गरूब होने के बाद पढ़ी जाती है तो जो नमाज़ें भी सूरज निकलने से पहले या सूरज गरूब होने से बाद पढ़ी जाएँ और आप वो नमाज़ें अकेले पढ़ रहे हों तो आपको ये इख्तियार है कि चाहे तो ऊंची आवाज़ से पढ़ें या सिर रन पढ़ें आहिस्ता पढ़ें तो फ़जर अगर आप अकेले पढ़ रहे हैं तो बुलंद आवाज़ से भी पढ़ सकते हैं और आहिस्ता आवाज़ से भी पढ़ सकते हैं इसी तरह बाकी जो नमाज़ें हैं तहज्जुद की नमाज़ वो भी ऊंची आवाज़ से भी पढ़ सकते हैं आहिस्ता भी पढ़ सकते हैं वितर आप पढ़ रहे हैं ऊंची आवाज़ से भी पढ़ सकते हैं और आहिस्ता आवाज़ से भी पढ़ सकते हैं दिन की नमाज़ें आप आहिस्ता ही पढ़ेंगे वो जहरन आपके लिए जायज़ नहीं है सिवाय जुम्मा और ईद की नमाज़ के अलबत् खुत के लिए ये लाजिम है कि वो हर नमाज आहिस् आवाज ही से पढ़ेंगी उनके लिए जहर करना जायज़ नहीं